आज की शाम बहुत मज़ेदार रहेगी बिकॉज गौरव अच्छा दोस्त है एंड नई शुरुआत कर रहा है एंड प्लस चकाचौंध को देख के लगता है कि मज़ा बहुत आएगा एंड प्लस आज सैटरडे नाइट है तो शनिवार रात ही तो वैसे ही सबको मज़ा आता है। मैं बहुत कम यार मतलब एज इन इस प्रकार के खाने का बहुत कम फूडी हूँ बट आई एम मोर ऑफ अ जंक फूडी तो डाइट होती नहीं मुझसे लेकिन हो सकता है जितना हो सके जितना परहेज मैं करने की कोशिश करता हूँ। इट्स ओनली अबाउट स्पेंडिंग टाइम विद नियर इंडिया वन यार जब आप किसी के साथ रेस्टोरेंट जाते हो तो ऑब्वियसली यू लुक एट सर्विस एंड एम्बियंस एंड अगर सर्विस एंड एम्बियंस ऑन पॉइंट है तो देन देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। जा रहा हूँ अगर क्यों कोई सर वही कहना चाहिए कि बहुत से फैंस बहुत ही निराश हो गए कि आप क्विट कर रहे हैं ये है जब मैंने आज ही इनफैक्ट एक पोस्ट किया है कि मैं क्विट कर रहा हूँ बट ये है कि यहाँ नहीं कहीं ना कहीं तो मिलेंगे लेकिन उनका साथ कभी नहीं छूटेगा और मैंने हमेशा से एक ही चीज़ कही है कि मैं हूँ क्योंकि वो है उन्होंने बनाया मुझे मैं अपने आप कुछ नहीं बनाऊँ। 1500 जी बिल्कुल इनफैक्ट जैसे कहते हैं ना कि मुझे लोग कहते हैं यार तुझे तकलीफ दुख नहीं हो रहा क्योंकि मैं वह चीज़ नहीं छोड़ा है मतलब आप समझ रहे हैं कुछ एक चीज़ आपके साथ इस तरह जुड़ती है कि आप से वो कभी अलग नहीं हो सकती और वह चीज़ मेरे लिए वो चीज़ है वो कभी नहीं छूटेगी मुझे। मेंटली तो यार चल रही थी कतरों के लड़ाई इतने सीजन हो चुके हैं और सब ने अपनी अलग 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 बातें बताई हैं सो आई थिंक आई एम नॉट गोइंग विद एनी मेंटल बैगेज मैं जा रहा हूँ एक साफ क्लीन माइंड के साथ एंड वील टेक एवरी डे एज इट कम्स। यार मुझे नहीं पता वहाँ कौन से स्टंट्स होने वाले हैं लेकिन स्टंट्स एक जो रश होता है एक जो थ्रिल होता है वो हमेशा से करने का मन था एंड आई थिंक ऊपर वाले ने सुन लिया तो आई थिंक देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम एक्टर आप बहुत ही अच्छे डांसर्स भी हैं डांसर हैं और नच बजे में एक झलक देखा है आज 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 इनफैक्ट अली और नताशा को मैंने इंट्रोड्यूस किया है बहुत ही शुक्रिया कि आपके बहुत टाइम बाद डांस देखने मिल रहा है। नहीं पर अभी यार बार बार नच बली करूँगा तो लोग जूता नहीं मारेंगे नहीं बट इंशाल्लाह अभी फिल्मी पर्दे पर डांस दिखाएंगे यहाँ के। थैंक यू। हाँ जी कितना एक्साइटमेंट होता है जब इस तरह के अपने दोस्त के रेस्टोरेंट में आप कभी भी कहीं भी प्रेजेंट होते हैं? नहीं हमेशा दोस्तों के लिए तो ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है यू नो गौरव की बड़ी दिली तमन्ना थी टू ओपन अ रेस्टोरेंट बार एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट इतने सालों बाद ही इज बीन प्रेपिंग फॉर इट एंड दे फाइनली ओपन अ वेरी हैप्पी फॉर इट। मैं एक्चुअली काफ़ी टेस्टिंग्स के लिए आ चुका हूँ यहाँ पर क्योंकि बड़े करीबी मित्र है गौरव मेरे तो आज आई एम एक्साइटेड आई एम एक्साइटेड गो आउट। रियल लाइफ में कितने फूडी हैं आप? मैं बहुत बड़ा फूडी पंजाबी आदमी हूँ यार पंजाबी आदमी से पूछना ही बेकार है क्या फूडी हो कि नहीं हो। हाँ जी बहुत आप लोग का वर्क बहुत लोड होता है और कभी भी संडेज को जब आप बाहर जाते हैं रेस्टोरेंट में सो क्या प्रायोरिटी रहती है पहले जो जो भी आप रेस्टोरेंट में जाते हैं प्रायोरिटी इन टर्म्स ऑफ एम्बियंस और फूड सबसे पहले प्रायोरिटी क्या रहती है जब भी आप कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं? आई थिंक बैलेंस ऑफ एवरीथिंग यार एक अच्छा एम्बियंस होना चाहिए एक खाना अच्छा होना चाहिए तभी मजा आता है। इसके अलावा इन दिनों अब और हम क्या कुछ प्रोजेक्ट में देखेंगे आपको? जरूर आप जल्दी देखेंगे फिल्म होगी वेब सीरीज होगी ये तो जब आएगी तभी देखेंगे। चलिए रेस्टोरेंट लॉन्च का मौका है कितना एंजॉय कितना डांस गाना क्या कुछ होने वाला है? नहीं बहुत मजे होने वाले हैं यार जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग अप एंड हैविंग अ गुड टाइम। थैंक यू भाई थैंक यू। इस तरह के रेस्टोरेंट में आप जाते हैं यस तो सबसे पहले किस चीज़ से शुरुआत होती है? शुरुआत तो आज फैमिली के साथ है बिकॉज ये मेरे बहुत क्लोज ब्रदर का रेस्टोरेंट है जैसे कि आप सब लोग जानते हैं गौरव जेपलानी का तो दिस इज़ अ फैमिली इवेंट विथ क्लोज फ्रेंड्स वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर वेरी क्लोज फ्रेंड्स टू कम एंड अटेंड एंड गिव देयर जेन्युइन फीडबैक अबाउट द प्लेस। खाना बहुत अच्छा है दारू बहुत ज़्यादा अच्छी है और मेन यू एस पी यही देखा जाता है बेसिकली फूड सो फूड इज़ फैंटेस्टिक वी हैव ग्रिल्ड किचन विच इज़ अगेन इफ़ यू टॉक अबाउट हेल्दी बींग हेल्दी तो लॉट ऑफ गुड वेराइटीज ऑफ नॉन वेजिटेरियन विद ग्रिल्ड फूड एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट द प्लेस वॉट वी हैव द मेन यू एस पी इज दैट वी आर सर्विंग 21 डिफरेंट वेराइटीज एंड फ्लेवर्स ऑफ शांग्रियाज सो दैट हैज़ वाइट वाइन दैट हैज़ रेड वाइन दैट हैज़ ऑल द डिफरेंट रोज वाइन्स ऑल्सो रोजे वाइन्स ऑल्सो सो समथिंग डिफरेंट विच इज़ डेफिनेटली देयर। एक्सक्लूसिविटी दो तीन चीज़ों को लेकर जैसे मैंने आपको बताया उसको है शांग्रियास को लेके है फूड द सॉसेज एंड एवरीथिंग इज समथिंग वेरी डिफरेंट
what everybody would enjoy the main palate. लेकिन आप personally किस तरह के foods पसंद करते हैं? मैं पर्सनली यार देखो मैं बहुत फूडी हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा वो हूँ, बट टेस्ट वाइज मेरा कुछ ऐसा स्पेसिफिक है नहीं. अगर इंडिया के रीजन में है तो वो डिपेंड करता है अगर क्रेविंग हो रही है, बट आई एक्चुअली मैं हर एक चीज़ खाता हूँ, बट हाँ इतना है कि थोड़ा थोड़ा खाता हूँ, सो दैट समथिंग क्रेविंग भी हो जाती है, इच्छा भी पूरी हो जाती है. और ऐसा स्पेसिफिक यार बेस्ट तो जो मिस करना वो रेगुलर बेसिस पे होता है वो माँ के हाथ का खाना ही होता है. वो भले एक प्लेन चपाती घी वाली या बिना घी वाली बना दे, बोलो बिना घी वाली बनाने तो वो चपाती के नीचे लगा हुआ रहेगा, पता नहीं चलेगा, ऊपर नहीं लगा हुआ रहेगा. सो दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट, पता रहता है ऐसे पलट के देखते हैं कि हाँ नीचे घी लगा रहेगा. तो यार दिस इज समथिंग दैट. ओके गौरव, मुंबई में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, ऐसी कौन सी चीज़ रहेगी जो कस्टमर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी? जैसे मैंने आपको बताया वेराइटीज एंड द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ शांग्रियाज, हियर इज द क्वेश्चन विच ऑलमोस्ट आई हैव आंसर्ड एवरीथिंग अबाउट अस. That what is the major different thing what we have about a restaurant? So I'm talking about the sangrias. Yeah. So he will brief you more about it. No, so we've done a lot of different things. We are doing 21 flavors of sangria for the first time in India. Yeah. No one's done it. We are the ones to get in the red bun burgers, the white bun burgers, and all these are made of proper vegetable extracts, not of color. Portuguese, we are the first people to get in the amazing Portuguese food, peri peri yeah. chicken. So it's a tie-up with Barcelos. Their peri peri signature sauces are there. So the menu is amazing. We are serving every palate and the food is yum. You guys should really come and taste it. जी यू नो गुड फूड गुड लाइफ आई थिंक वो मंत्र होता है सबका. हम खुशी में अपने परिवार के साथ अपने दोस्तों के साथ यू नो वी वांट टू गो आउट, अच्छा खाना खाना चाहते हैं अच्छे रेस्टोरेंट में. सो इट्स अ गुड टाइम सेलिब्रेटिंग गुड टाइम्स टुगेदर. मेरे दोस्त का है तो जस्ट सेलिब्रेटिंग इट ऑल टुगेदर. आज क्या कुछ खाने वाले हैं आपकी तरफ से? वेल मैं टेस्ट करूंगा थोड़ा थोड़ा सब कुछ, चाहूंगा सब टेस्ट करूं. ओके सर, इन रियल लाइफ हाउ फूडी आर यू? आई एम अ बिग फूडी, आई एम अ पंजाबी, सो आई एम अ फूडी बाय हार्ट. मैं कपूर हूं तो खाना मेरे रगों में, तो मम्मी के खाने से लेकर बाहर का खाना सब कुछ ट्राई करना चाहता हूं. ओके, आल्सो लाइक टू कांग्रेचुलेट, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला झुंडा कहेगा को. जी थैंक यू. कैसे रिस्पांस मिला पहले तो ये जानना चाहेंगे. जी रेस्पॉन्स इज़ ग्रेट, पीपल आर लाइकिंग इट, बहुत सारा लाफ्टर रिएक्शन थिएटर हॉल्स में सुनने मिल रहा है. सो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट टू डू फॉर द फिल्म. ओके, इसके अलावा वेब सीरीज भी आ रही है आपकी? जी जी, बहुत ही एक्साइटेड लोग, बहुत ही एक छोटा सा टीजर भी आया है जी, और लोग पसंद कर रहे हैं जी, उसके बारे में बता सके और हाउ एक्साइटेड है यार, बिकॉज आई थिंक यू आर डेब्यू विद अ वेब सीरीज. No, I've done a couple of things. So this is अभी मैंने उनकी पूरी शूटिंग कंप्लीट नहीं की है. So एक बार कंप्लीट हो जाएगा, only then I'm allowed to speak about it. So I'm going to wait for that to happen. Okay, other than that, any project you'd like to share? Well, there are a couple of them right now. So I'm just waiting के एक बार confirm हो जाए, उसके बाद I'll be able to share with you. आज की शाम आपकी तरफ से लाइक आई एम श्योर बहुत सारे मेरे कॉमन दोस्त हैं, तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो हम साथ में करेंगे, मस्ती करेंगे. थैंक यू, हैव अ प्लेजर. थैंक यू. सैटरडे नाइट में इस तरह से जब रेस्टोरेंट लॉन्च होता है क्या कुछ फीलिंग होती है? फ्री का खाना फ्री की दारू सैटरडे नाइट में मिल जाए, ऐसे बेटर हो ही नहीं सकता है कुछ. जोक्स अपार्ट, यार हमारी फ्रेंड की जगह है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम एंड दैट्स व्हाई वी उसको सपोर्ट करने आए हैं. बॉम्बे में आई थिंक एक ऐसी जगह जैसी है, उससे बेटर बिजनेस नहीं हो सकता करने के लिए, और अगर मेरे फ्रेंड ने किया तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम. देखिए अभी ये तो मैं नहीं बता सकता कितना एंजॉय करने वाला हूँ, लेकिन वो तो अंदर जाके पता चलेगा. रास्ते में बहुत, हाँ अभी रास्ते में तो बहुत एंजॉय. तो सैटरडे नाइट हो या कोई भी नाइट हो, बट आई थिंक द ओकेजन इज कि एक एक्टर दोस्त एक जगह वेंचर कर रहा है, इट्स अ न्यू फील फॉर हिम. वी विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट एंड दैट इज व्हाई वी आर हियर टू सपोर्ट हिम एंड हिज बिजनेस डू रियली वेल. अगर हम एक्टर ना होते तो हम लोग बहुत मोटे होते, ये बात तो पक्की है. अभी भी मजबूरी है, वरना तो मतलब अभी मौका मिले तो ना हो. हाँ मतलब नॉट दैट कि अभी भी कुछ छोड़ते हैं खाने में, बट बहुत ज़्यादा फूडी है, पंजाब से हैं यार दोनों हम लोग, तो पंजाबी आपको पता ही कैसे होते हैं. तो ओके, आप एक्ट्रेस क्योंकि बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल होती है, बट जब भी टाइम मिलता है आप जब रेस्टोरेंट जाते हैं तो क्या प्रायोरिटी रहती है जब भी आप रेस्टोरेंट कोई भी रेस्टोरेंट जाते हैं? देखिए अगर हम लोग अच्छे तरह जिम नहीं कर रहे तो कुछ भी खा सकते हैं. हाँ इंसान, बट हाँ पंजाब कुछ नॉर्थ फूड मिल जाए जितना देसी, मैं बहुत देसी खाना प्रेफर करता हूँ, बट वन थिंग विच आई कैन ईट एनी टाइम इज चिली चिकन एंड तंदूरी रोटी. तंदूरी लिटिल वियर्ड बट यार. ओके सुरेश सर, आपकी बहुत जल्द मूवी आने वाली है अदर डायरीज, तो क्या स्टेटस है, कितने परसेंट कंप्लीट हो चुके?
यार फिल्म पूरी शूट पूरा रेडी हो चुका है, एडिट भी ऑलमोस्ट डन है, लास्ट मोमेंट अपना VFX और वो सब चल रहा है, डबिंग शुरू हो जाएगी किसी भी मोमेंट। सो आई थिंक आई एम गेसिंग अराउंड सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर टाइप्स फिल्म रिलीज देख रहे हैं। फर्स्ट फिल्म है तो ऑब्वियसली रियली लुकिंग फॉरवर्ड, बाकी तो देखो ऊपर वाले के हाथ में। थैंक यू।